हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करा आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जॉब के रिलेटिव बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी की डिटेल लेके आया हूँ। दोस्तों, ये मलेशिया कंट्री की है वैकेंसी है। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करा था, प्लांटेशन का वीजा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, प्लांटेशन का वीजा है। प्लांटेशन की वहां पे वैकेंसी है जहां पे खेती बाड़ी का काम होता है। दोस्तों, जैसे अपने इंडिया में हम खेती बाड़ी करते हैं, वैसे ही मलेशिया के अंदर भी खेती बाड़ी होती है। कई प्रकार की खेती बाड़ी होती है, जैसे कि सब्जियों की खेती बाड़ी होती है, ऑयल की खेती बाड़ी होती है। आप सबको पता है कि वहां पे बहुत सारा प्लांटेशन का काम है। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन के वर्कर चाहिए जो हार्ड वर्क काम कर सके। दोस्तों जी, और उनके लिए सर्विस चार्ज भी बहुत ही लो सर्विस चार्ज है। दोस्तों, आप आराम से इजिली वो पे करके आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, 40,000 सर्विस चार्ज है दोस्तों प्लांटेशन के वीजे का। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, बाहर और अच्छी अर्निंग कमाना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें हार्ड वर्किंग काम ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, ईसीआर भी अप्लाई कर सकता है और ईसीएनआर भी अप्लाई कर सकता है। ज्यादातर तो वही बंदे अप्लाई करे जो ईसीआर है, जो कोई भी काम नहीं जानते हैं और वो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो इस काम को कर सकते हैं। जैसे इंडिया में जब हम खेती करते हैं तो जमीन में पौधा उगाते हैं ना, तो जो धूप में काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्ड वर्किंग का काम मतलब ये होता है कि हार्ड वर्किंग, ये नहीं कि आप यहां से बोलो कि सर मैं मेरे को भेज दो, वहां पे आपको व्हाइट कलर मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लांटेशन का काम रहेगा दोस्तों, खेती बाड़ी का काम रहेगा, थोड़ा धूप में भी रहेगा, थोड़ा छाव में भी काम रहेगा। दोस्तों, तो मेहनत वाला काम है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ठीक है, इसमें मैं आपको डिटेल बता दूं कि सैलरी क्या है और आपकी मंथली इनकम क्या रहेगी। दोस्तों, जी हाँ, पहली बात तो आपका 40,000 सर्विस चार्ज रहेगा। ठीक है जी, और सैलरी की बात करो, सैलरी दोस्तों बेसिक सैलरी आपको 1100 रिंगिट बेसिक सैलरी आपको मिलेगी, वो भी 8 घंटे की। आप सुबह 6 बजे लगते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक आपका 8 घंटे होता है। उसके बाद जो भी आप 3-4 बजे तक जो भी आप काम करते हो वो आपका ओटी रहेगा। दोस्तों, और ओटी जो होता है 1x5 होता है, मतलब 1.5 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी सैलरी, महीने की सैलरी का, एक दिन की जो 8 घंटे की जो ड्यूटी की सैलरी होगी वो आपको 1.5 गुना मिलेगी। दोस्तों, ठीक है, ये तो होगी 1100 रिंगिट आपकी बेसिक सैलरी होगी 26 दिन की। ठीक है, वीकली आपका एक ऑफ रहेगा, 26 गुना आपका 1100 रिंगिट सैलरी रहेगी 8 घंटे के। 8 घंटे के ऊपर आप 2 या 3 या 4 घंटे करते हो तो आपका ओटी रहेगा। अगर आप संडे को काम करते हो तो आपका डबल रहेगा। ठीक है जी, संडे को कभी लगता है कभी नहीं लगता, क्योंकि बारिश का भी मौसम रहता है, कभी बारिश आ गया तो ओटी नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, ये माइंड में आप सेट करके चला कि ओटी आपको मिले, कभी कभी कंपनी के पास होगा तो आपको मिलेगा, अगर नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो 1500, ठीक है, 1500 रिंगिट तक आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर आप 4 संडे नहीं भी लगाते हो, वीकली आप एक लोफ लेके चलते हो, जैसे बंदा थक जाता है, कपड़े वॉश करने होते, कई काम होते, रिलैक्स होना होता है, सोना होता है, तो बंदा संडे नहीं करता है, तो आप 26 दिन का भी ओटी करते हो कंटिन्यू, तो आपका 1500 से लेकर 1600 रिंगिट कमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों खाने की बात करूं, किचन आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी, गैस सिलेंडर चूल्हा सब आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसमें आपको राशन लाना है मार्केट से और बना के खाना है। ठीक है, मार्केट से लाना है और बनाना है आपको। अगर आप बनाते हो, घर पे बनाते हो, अगर डेली आप चिकन भी खाते हो तो भी आपका 150 रिंगिट पर बंदे का खर्चा आता है महीने का। जैसे आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि 150 रिंगिट आप मान के चलिए आपका खाने का है। ठीक है, 50 से लेकर 100 रिंगिट आप अपने रिचार्ज, ठीक है, कोई होता है पर्सनल चीजें होती है उसको यूज लेवल, मतलब 200-250 आप अपना खर्चा मान के चल लीजिए। ठीक है, तो 1300, 1400, 1500 ये आपकी अर्निंग महीने की फिक्स है। दोस्तों, अगर आप प्रॉपरली तरीके से मेहनत करते हो तो ये आपकी अर्निंग है। तो 15 को आप 17-18 हजार रूपये मंथली आपकी इनकम सेफ है। दोस्तों, ठीक है, मंथली इनकम है, जो आपका सर्विस चार्ज है वो आपका पहले महीने में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। ठीक है,
एक साल का वीजा रहेगा, हर एक साल बाद आपका वीजा रिन्यू होगा, वो गारंटी कंपनी की रहती है। आपको छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी लेके वापस आके फिर कंपनी में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सिर्फ 30,000 रुपए की मंथली आपकी इनकम फिक्स रहेगी, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से आप काम करते हो। स्टार्टिंग पे आपको थोड़ी बहुत ही मुश्किल आएगी, क्योंकि हर किसी को आती है, जब हम अपनी कंट्री छोड़ के अपना घर छोड़ के किसी अदर कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है, कभी मन नहीं लगता या कभी काम करने में आपको प्रॉब्लम होती है, कभी आपने इतना हार्ड वर्क नहीं करा, वहां पे आपको कंटिन्यू 8 से लेकर 10 घंटे काम करना, तो ये काफी छोटी प्रॉब्लम होती है जो फेस करनी पड़ती है, वो एक मंथ के लिए ही रहती है। एक महीने के बाद जब आपकी बॉडी हैबिट बन जाती है काम करने की, रूटीन बन जाती है, तब आपको कोई, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप उड़ीसा हो या केरला हो या यूपी में हो, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोस्तों। अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट की फ्रंट प्रॉपरली स्कैन कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी बैकग्राउंड स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आपकी एक वाइट बैकग्राउंड फोटो होनी चाहिए दोस्तों, और अगर आपके पास कोई अच्छा सा सीवी है आपने बना रखा है तो आप वो सेंड करना है आपको, ठीक है। और इस जॉब के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, साथ में आपको टाइप करना कि सर इस जॉब में मैं प्लांटेशन में जाना चाहता हूँ, इसमें काम करना चाहता हूँ, 40,000 रुपीज देने के लिए मैं एग्री हूँ, तो ये चीजें आपको व्हाट्सएप मैसेज या मेल पे आपको सेंड करनी है, ठीक है। और देन आपका मेडिकल का, अगर आप मेडिकल में फिट होते हो तो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक कराना है, ठीक है, बायोमेट्रिक और मेडिकल ये दोनों चीजें होने के बाद वो आपको प्रॉपरली स्कैन कॉपी में भेजनी है, इसके बाद हम आपकी कॉलिंग अप्लाई कर देंगे। जैसे वीजा आएगा फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एम्बेसी में, ठीक है, आप खुद अगर सबमिट करना चाहते हो खुद सबमिट कर देना, अगर किसी एजेंसी के थ्रू कराना चाहते हो एजेंसी के थ्रू करा लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबमिशन करनी है, सबमिशन लेने के बाद कलेक्शन लेनी है, फिर आपकी टिकट होगी और आपकी फ्लाइट हो जाएगी दोस्तों। तो ये प्रोसेस जो प्रॉपरली टाइमिंग है दोस्तों 25 से लेकर 30 दिन का प्रोसेसिंग टाइमिंग है, ये मैं आपको ज्यादा ही बता रहा हूँ, पर पहले भी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है थोड़ा डिले हो जाता है, तो 5 डेज में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फिर भी 20 से लेके 25 दिन में काम हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, नीचे कमेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उनसे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो दोस्तों। और वही बंदा इन्फॉर्मेशन ले जो इस चीज में इंटरेस्टेड है, इसमें कोई भी स्किल वर्कर नहीं चाहिए, ओनली हेल्पर चाहिए, CRECM कोई भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और शेयर।